लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान किचन में लंबे समय तक खड़े होकर करती हैं काम, तो इसके कुछ नुकसान हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे समय गुजरता रहता है, कमर दर्द और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। शरीर में होने वाली इन समस्याओं का असर पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर भी पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने के साथ प्रेगनेंसी के महीने बढ़ने के साथ महिलाओं के चलने फिरने, उठने या बैठने की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में भी देर तक किचन में खड़े होकर काम करती हैं, जिसका असर आपके और शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। प्रेगनेंसी में ज्यादा देर खड़े रहने से क्या होता है? पहला, पैरों में खिंचाव। लंबे समय तक खड़े रहने से आपके पैरों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन और असुविधा हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान बढ़ते पेट से वजन आपकी मांसपेशियों पर दबाव डाल सकता है, जिससे पैरों में ऐठन हो सकती है, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद। दूसरा, संतुलन संबंधित समस्या। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, आपका पेट बढ़ता है, जिससे आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में बदलाव होता है। ये बदलाव आपके शरीर में संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको गिरने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर रसोई में फिसलने का खतरा, बाथरूम में फिसलने का खतरा। तीसरा, थकान। गर्भावस्था के कारण महिलाओं में अक्सर थकान हो जाती है। ऐसे में किचन में घंटों खड़े रहकर काम करने के लिए ज्यादा थकान बढ़ जाती है। लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़े रहने से आपका रुका हुआ आपका आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जिससे पूरे दिन आपके शरीर को मिलने वाली एनर्जी का स्तर पर इसका असर पड़ता है। चौथा, नसों से जुड़ी समस्याएं। बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है, जिससे वेरिकोज नसें जैसी परिसंरचना संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति के कारण नसें बड़ी हो जाती हैं और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जो गर्भावस्था के दौरान पैरों में विशेष रूप से आम है। पांचवा, ज्यादा गर्मी लगना। गर्भावस्था के कारण रसोई की गर्मी शरीर के तापमान को प्रभावित करती है और तापमान को बढ़ा सकती है। ज्यादा गर्मी आपके आपके बच्चे के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे असुविधा, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़े अन्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान आरामदायक और सुरक्षित रहने के लिए काम के दौरान ब्रेक लेना, जब संभव हो बैठना और खाना बनाते समय या घर के काम करते समय खुद को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।